प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिना इस विषय को जाने हम जन्म कुंडली से सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कल हमने ग्रहों के स्वभाव एवं प्रभाव के बारे में जाना, आइए थोड़ा और समझते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होगा तो आत्मा बलवान होगी, चंद्रमा बलवान होगा तो मन बलवान होगा, मंगल बलवान होगा तो साहस और पराक्रम बलवान होगा, बुध बलवान होगा तो वाक शक्ति बलवान होगी, गुरु बलवान होगा तो ज्ञान अच्छा होगा, शुक्र बलवान होगा तो काम वासना बलवान होगी, शनि बलवान होगा तो दुख बलवान होगा। नहीं, अर्थात शनि के बारे में उल्टा है, शनि बलवान होगा तो दुख कम होगा, निर्बल होगा तो दुख अधिक होगा। आइए अब हम 12 राशियों का परिचय एवं उनके चिन्ह को समझते हैं। मेष राशि। मेष राशि का चिन्ह है भेड़ तथा मेष राशि का स्वामी है मंगल। वृषभ राशि। वृषभ राशि का चिन्ह है बैल तथा इसका स्वामी है शुक्र। मिथुन राशि का चिन्ह है जुड़वा एवं इसका स्वामी है बुध। कर्क राशि का स्वामी है केकड़ा तथा इनका स्वामी है चंद्रमा। सिंह राशि का चिन्ह है शेर, स्वामी है सूर्य। कन्या राशि का चिन्ह है कुमारी, स्वामी है बुध। तुला राशि का चिन्ह है तराजू, स्वामी है शुक्र। वृश्चिक राशि का चिन्ह है बिच्छू, स्वामी है मंगल। धनु राशि का चिन्ह है धनुधारी और स्वामी है गुरु। मकर राशि का चिन्ह है बकरी, स्वामी है शनि। कुंभ राशि का चिन्ह है घड़ा और स्वामी है शनि। मीन राशि का चिन्ह है मछली एवं स्वामी है गुरु। जिस प्रकार हमने ग्रहों के तत्वों के बारे में जाना था, उसी प्रकार राशि के भी तत्व होते हैं। 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व है जल तत्व, दूसरा तत्व है अग्नि तत्व, तीसरा तत्व है वायु तत्व तथा चौथा तत्व है पृथ्वी तत्व। जल तत्व के अंदर कर्क राशि, वृश्चिक राशि एवं मीन राशि आती हैं। अग्नि तत्व के अंदर मेष राशि, सिंह राशि एवं धनु राशि आती हैं। वायु तत्व के अंदर मिथुन राशि, तुला राशि एवं कुंभ राशि आती है। और पृथ्वी तत्व के अंदर वृषभ राशि, कन्या राशि एवं मकर राशि आती है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि एवं मकर राशि को चर राशि कहा जाता है। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि एवं कुंभ राशि को स्थिर राशि कहा जाता है। मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि एवं मीन राशि को द्विस्वभाव राशि कहा जाता है। आइए अब राशि के चिन्ह के अनुसार उनका स्वभाव जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि का चिन्ह है भेड़ और यह राशि आग का संकेत है, क्योंकि यह अग्नि तत्व की राशि है एवं मंगल की राशि है। जिन व्यक्ति की राशि या लग्न मेष होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन की नई ऊर्जा से भरे और आत्म केंद्रित होते हैं। इनका प्रतीक भेड़ निडर और साहसी होता है, अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहते हैं और अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। अति उत्साह से भरे हुए होते हैं, अन्याय बर्दाश्त करने वाले नहीं होते। वृष राशि या वृषभ राशि। वृषभ राशि का चिन्ह है बैल। इस राशि के जातक शांत होते हैं एवं बैल की तरह कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। यह मस्त मौला सांड की तरह होते हैं। इन्हें जब तक ना छेड़ा जाए तब तक कुछ भी नहीं करते, परंतु एक बार छेड़ दिया तो बैल की तरह छोड़ते नहीं हैं। वृषभ राशि या लग्न के जातक व्यापारिक और विश्वसनीय होते हैं। ईमानदारी और कड़ा संकल्प इनकी ताकत होती है। कभी कभी बैल की तरह आलसी होते हैं। यह लोग जिद्दी और सख्त मिजाज होते हैं। क्योंकि यह शुक्र की राशि है, इस वजह से यह सजने संवरने के भी शौकीन होते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि का चिन्ह जुड़वा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब होते हैं, आकर्षक और दोस्ताना होते हैं। इसका स्वामी बुध है, इसलिए इनमें बच्चों जैसा स्वभाव भी पाया जाता है। समारोह और पार्टी के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। इनकी बातें सूचना प्रदान होती हैं। इनका शौक होता है नए नए दोस्त बनाना एवं इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत तेज होती है। कर्क राशि। कर्क राशि का चिन्ह केकड़ा है। कर्क राशि के लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील, भावनात्मक, मूडी होते हैं। यह लोग अपने घरों से यानी कि अपने घोंसले से बहुत प्यार करते हैं। यह संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं। यात्रा करना इन्हें पसंद होता है।
परिवार से बहुत प्यार करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, इनके लिए भावनाओं को छिपा पाना मुश्किल होता है। सिंह राशि। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, सिंह राशि का चिन्ह शेर है। सिंह राशि व लग्न के लोग शेर की तरह स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं एवं अपनी मन की करने वाले होते हैं। यह लोग दिल से कार्य करने वाले एवं ईमानदार होते हैं। यह बहुत महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ लक्ष्यों को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। ये तेज और ढीठ होते हैं। यह बोल्ड और साहसी भी होते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी है कुमारी। कन्या राशि वाले कभी अपनी गलती नहीं मानते। उन्हें अपनी आलोचना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। शांत प्रवृत्ति के साथ बहुत मेहनती होते हैं। इन्हें कार्य करने और उसका प्रबंधन करने में मजा आता है। इनमें मीन मेघ निकालने की आदत होती है। तुला राशि। तुला राशि का चिन्ह तराजू है। तुला राशि एक अंधा न्याय की मूर्ति है जो जीवन की इच्छाओं और जरूरतों के साथ संतुलन रखने के बारे में सिखाती है। तुला राशि के लोग बहुत अच्छा संतुलन बैठाते हैं, यानी कि चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। 12 की 12 राशियों में तुला राशि जैसा कोई संतुलन नहीं कर सकता, क्योंकि यह शुक्र की राशि है, इसीलिए संगीत उनका शौक भी होता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का चिन्ह बिच्छू है। वृश्चिक राशि या लग्न में जन्म जातक जटिल, गोपनीय, भावुक और आवेगी प्रवृत्ति के होते हैं। किसी का विश्वासघात नहीं सह सकते। यह बहुत वफादार दोस्त हो सकते हैं। इनकी कार्यशक्ति और रहस्यमय नजरें लोगों को सम्मोहित करती हैं। सच बोलना और सुनना इन्हें पसंद होता है। गंभीर, निदार, जिद्दी, तीव्र और भावुक होते हैं। यह अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं और विश्वास करते हैं कि अपने भाग्य को अपने नियंत्रण में रखें। वृश्चिक राशि रहस्य की राशि है, उत्पत्ति की राशि है, आरंभ की राशि है एवं अंत की राशि है। यह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय राशि है। यह हमेशा गुप्त रहने वाली राशि है। कालपुरुष की 8वीं राशि है एवं यह मंगल की राशि है। इस लग्न के लोग हमेशा अपने मन की करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी जिद मोहब्बत में ही होती है। आपको पता ही नहीं चलता कि वृश्चिक लग्न या राशि का जातक जिद करके बैठा है। सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल राशि है। इनके विषय में बता पाना, कह पाना, समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। धनु राशि। धनु राशि का चिन्ह धनुधारी है। यह आधे व्यक्ति एवं आधे घोड़े द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह उत्साही लोग विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। दार्शनिक, धार्मिक, दिमाग वाले स्पष्ट विचारक होते हैं, क्योंकि यह गुरु की राशि है। यह कभी कभी तार्किक और कठोर भी हो सकते हैं। यह लोग जोखिम लेने से नहीं घबराते। यह ज्ञान की खोज में घूमना चाहते हैं। तेज बुद्धि और ऊर्जावान होते हैं एवं घूमने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। मकर राशि। मकर बकरी द्वारा दर्शाया जाता है। यह अत्यंत व्यवहारिक होते हैं। यह अपनी कड़ी मेहनत का फल प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और पैसे के रूप में पाते हैं। मेहनती, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान और विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। इनका स्वामी ग्रह शनि होता है, जिसकी वजह से ये महान अनुशासनशील बनते हैं। अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं और जीवन की योजना प्लानिंग से बनाते हैं। यह एक महान साथी और जीवन भर के दोस्त होते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि का चिन्ह घड़ा है। मानवीय, परोपकारी, निष्पक्ष, आधुनिक और व्यावहारिक होते हैं। मानव जाति के प्रति प्यार और समाज की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह विचारों, जीवन और गति की स्वतंत्रता के साथ आविष्कारक या तकनीकी विशेषज्ञ साबित होते हैं। दोस्तों के प्रति उदार संग्रह रखते हैं। कला प्रेमी होते हैं। आइए अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि का स्वामी मछली है। मीन राशि या मीन लग्न में जन्मे जातक का मन कभी स्थिर नहीं रहता, एकदम मछली की तरह। यह किसी भी बात को बड़े ही सकारात्मक रूप से लेते हैं और इन्हें दुनिया को अपनी ही नज़र से देखना पसंद होता है। यह लोग आकर्षक होते हैं। एक गलती के लिए निस्वार्थ मन से माफ़ कर देते हैं। माफ़ करने का अच्छा गुण इनमें होता है। सात्विक, प्रेमी और दोस्त को समर्पित होते हैं। यह कभी भी अपने निर्णय अकेले नहीं ले पाते। मीन लग्न या राशि के जातक अव्वल दर्जे के आलसी होते हैं एवं धन से धनी होते हैं और अपने धन को गुप्त रूप से सेव करके रख लेते हैं। कपड़ों के तो विलक्षण शौकीन होते हैं। यह लोग सोशल काम होते हैं, लेकिन प्रेम के भूखे रहते हैं।
बहुत ज़्यादा फेम चाहते हैं, जीवन में फेम बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इनका लाइफ पार्टनर भी सुपर एक्टिव होता है और पूरी तरह से मैरिड लाइफ को बैलेंस करके चलता है। अभी हमने राशियों का तत्व एवं उनके चिन्ह के अनुसार राशियों का स्वभाव जाना। चलिए अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए तिथि के बारे में जानते हैं। तिथियां, ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी मापने को तिथि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में तिथियां हमें बताती हैं कि चंद्रमा और सूर्य की किस समय कितनी दूरी है। इस बात को कुछ और स्पष्ट करके ऐसे समझा जा सकता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। इस बीच पृथ्वी से सूर्य और चंद्र कभी तो एक ही डिग्री पर दिखाई देते हैं और कभी 180 डिग्री पर। जब दोनों एक ही डिग्री पर दिखाई देते हैं तब अमावस्या, और जब 180 डिग्री का अंतर होता है तब पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा होती है। यह एक मास में एक बार होता है, अर्थात 30 दिनों में एक बार अमावस और एक बार पूर्णिमा आती है। इसका अर्थ हुआ कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच क्रमिक समय लगता है और ऐसा ही पूर्णिमा से अमावस के बीच भी। इस क्रमिक समय के अंतर को बताने वाली तिथि ही होती है। पूर्णिमा से अमावस की ओर जाने को कृष्ण पक्ष और अमावस से पूर्णिमा की ओर जाने को शुक्ल पक्ष कहते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जब चंद्रमा बढ़ता है उन दिनों को शुक्ल पक्ष और जब चंद्रमा घटता है उन दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी के अतिरिक्त चंद्रमा के घटने बढ़ने की स्थिति भी स्क्रीन पर दिए गई सारणी से स्पष्ट हो जाती है। वैसे तो साधारणतया एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं, परंतु कभी कभी एक तिथि कम भी हो जाती है। ऐसा ही वर्ष को लेकर भी होता है। 12 चंद्रमासों का एक वर्ष होता है, किंतु चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के दिनों में अंतर होता है। चंद्रमा लगभग 354 दिन में पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। इस प्रकार दोनों में लगभग 11 दिन का अंतर रह जाता है। इस अंतर को मिटाने के लिए मल मास का ज्योतिष में आयोजन किया गया है। प्रति 3 वर्ष के पश्चात एक मास बढ़ा दिया जाता है, इससे सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष का अंतर प्रायः मिट जाता है। तिथियों को अंक में भी लिखा जाता है। प्रतिपदा से चतुर्दशी तक जो तिथि हो वही अंक लिखा जाता है दोनों पक्षों में। पूर्णिमा को 15 ही लिखा जाता है, किंतु अमावस्या को 15 न लिखकर 30 लिखा जाता है, अर्थात मास के अंतिम 30वें दिन का सांकेतिक अंक। आइए अब तिथियों के बाद वार को भी समझ लेते हैं। भारतीय ज्योतिष में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक की अवधि को वार माना जाता है। उदाहरण के तौर पर सोमवार को सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व भी हम रविवार ही मानेंगे। अंग्रेजी तारीखों की तरह रात के 12 बजे तारीख व वार भारतीय ज्योतिष में नहीं बदलते।